हमना, तुम यहाँ क्यों आई हो? आराम से सांस तो लेने दो। मैं जानती थी तुम अकेली होगी। तुम्हारी सास खाला की तरफ आई हुई, नन यूनिवर्सिटी गई हुई है और बहाज भाई काम पे है ना। असल में सलवा, मुझसे खाला की हालत देखी नहीं जाती। क्या हुआ अम्मी को? जो कुछ यहाँ हुआ उसके बाद तुम्हें लगता है कि वो ठीक होंगी? तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो? मुझे बताओ मामला क्या है? तुम्हारी खामोशी मुझे चुप रही है। तुम उस दिन भी खामोश थी जब बहाज भाई की बदतमीजी से उरूज पर थी। वजह जान सकती हूँ मैं? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे टालो मत। बहाज भाई और उनकी बहन का रवैया मैं देख चुकी हूँ, लेकिन तुम क्यों खामोश हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं ठीक हूँ और बहाज मेरे साथ ठीक है। जब सब कुछ ठीक है तो तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक है? हाँ, मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। सब लोग ठीक है और मैं गलत हूँ। सलवा, मुझे नहीं बताओगी? क्या बताऊँ तुम्हें? क्या कर लोगी तुम? तुम मुझे बताओ तो। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो मेरी माँ को मेरी तरफ से मुतमईन कर दो। प्लीज उन्हें समझाओ कि मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। बल्कि मैं इतनी खुश हूँ कि मुझसे ज्यादा खुश नसीब कोई लड़की है नहीं। प्लीज। क्यों खुद को धोखा दे रही हो? हमना प्लीज जाओ यहाँ से। सलवा, मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। और प्लीज अब आइंदा इस तरह यहाँ मत आना। हमना, मैं हर मुमकिन अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे सर पे ये इल्जाम भी लग जाए कि मैं बसना नहीं चाहती। जाओ। रुसवाई जो मयसर हुई, इतनी हुई बेशतर हुई। तू ऐ जिंदगी यूं बसर हुई, रास्ता क्या हमारा फासलों की वजह से।